सोलन शहर में इन दिनों अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में एक टीम बनी है जो पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई अमल में ला रही है, लेकिन आज छुट्टी होने के चलते यह कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और बाजार की स्थिति आज दोबारा से पहले जैसी हो गई। पहले की तरह व्यापारियों ने अपना सामान दुकान से बाहर लगाया। 3-4 दिन पहले हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई थी, हम जिलाधीश महोदय को भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि सोलन में अतिक्रमण अधिक बढ़ गया है, इसका हमने हटाना है अतिक्रमण को। तो हमने कहा था कि हम आपका सहयोग करेंगे, अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो उसको हटाया जाए। तो पिछले 3 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने दल बल के साथ माल रोड में बाजार में घूमा और जो हमने देखा कि वो बड़े फीते फूते लेके घूमे, निशान शून उन लोगों ने लगाए। मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन को ये और मैंने दिया भी था, अब हमारे शरीर में अगर खारिश हो तो जस्ट हम खारिश करेंगे तो खारिश उस फॉर द टाइमिंग नहीं होगी, लेकिन वो दोबारा फिर खारिश शुरू हो जाएगी तो फिर हम खारिश करेंगे, फिर आराम आ जाएगा। ये अतिक्रमण एक ऐसा कैंसर है कि इसका आज तक कभी कोई समाधान ढूंढ नहीं पाया, इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए। कुछ आइडेंटिफाई लोग हैं शहर के अंदर जिनके कारण बाकी सभी को परेशान होना पड़ता है और प्रशासन या नगर निगम उन आइडेंटिफाई लोगों के ऊपर आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया। होता ये कि एक गुनाहगार बच जाता है और बेकसूर फंस जाता है। कल जैसे मैंने देखा कि जिस हिसाब से एडमिशन चला हुआ था, उनके साथ रेवेन्यू के लोग थे, मतलब एक तुक्का नहीं होता जैसे कि इसके यहाँ निशान लगा दे, इसके यहाँ निशान लगा दे, मतलब ऐसा एक सीन क्रिएट हो रखा था जैसे मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो आ रहे हो, फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर रहे हो। मुझे लगता नहीं कि वो दिल से अतिक्रमण हटाना चाह रहे हो। अगर दिल से अतिक्रमण हटाना है तो इसके बहुत उपाय हैं और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन लोगों को बुलाया जाए, हम भी साथ देंगे, उनको समझाया जाए कि भी अगर आप नहीं हटेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से ये एक हफ्ते की वैसे सुरक्षा सप्ताह होता है या कैंसर विरोधी दिवस है या धूम्रपान विरोधी दिवस है या कैसे दिवस मनाते हैं हम लोग, वैसे ही मुझे लगता है कि ये अतिक्रमण हटाओ सप्ताह है, उसके बाद फिर सभी भूल जाएंगे, सभी अपने अपने काम में मस्त हो जाएंगे और जिसने अतिक्रमण करना है वो वैसे ही अतिक्रमण करता रहेगा।